अब किस किस को हम खराब गिनते जाएं, खराब करते चले भैया। तो हम तो चाहते हैं जो अच्छाई है उसके साथ आगे बढ़ें, माझी जी के साथ जो अच्छाई है हम उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आए नेतृत्व करें, आए कन्हैया नेतृत्व करें, हम खाद बनने को तैयार हैं, कुर्बानी देने को तैयार हैं। तीसरे मोर्चे के कवायद के साथ बिहार में कहीं ना कहीं सियासी एक भूचाल सी आ गई है। सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी ने, जो कि अब तक चुप थे, एक ऐसा राग छेड़ दिया है जिसकी वजह से दोनों संगठनों में, दोनों महागठबंधनों में, एनडीए और महागठबंधन में कहीं ना कहीं अब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा है कि दोनों जगहों पर उन्हें ठगा गया है। पप्पू यादव के पास हम मौजूद हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस है या फिर इन्होंने कोई सियासी चाल चली है। नहीं नहीं भैया, हमारी हैसियत सियासी चाल चलने की नहीं है। हमारी पीड़ा है, हमारा दर्द है, हमारे भीतर कसक है इस बिहार के 11 करोड़ 33 लाख लोगों को लेकर के। हम एक सेवक हैं इस बिहार के, और हमारी चिंता बेटे की तरह एक माँ की जो होती है उसको लेकर के है इस बिहार। हम तो एक लगातार हमारा प्रयास है कि हम बिहार को कैसे मजबूत करें, बिहार को विकास के रास्ते पर कैसे लाएं। बिहार जिस इतिहास के मामले में जाने जाते थे, आर्थिक आज़ादी, शैक्षणिक माहौल, आज अराजक स्थिति है। तो हम खाद, हर परिस्थितियों में खाद भरने को तैयार है। ज़रूरत होगी, आप इस बात को आप समझ लीजिए कि हमारी चिंता न तो सत्ता को लेके है, न वोट, न सियासत। हम चाहते हैं कि सभी ऐसे लोग, अनुभव वाले लोग, जोश वाले लोग, कर्मवीर जो लोग हैं, जिनकी चिंता वर्तमान और भविष्य को लेकर के है, वो सब लोग एक होकर के कलेक्टिव नेतृत्व के साथ आगे बढ़े। उसमें थोड़ी मोड़ी चिंता सभी लोगों की रहती है, लेकिन सियासत के साथ रहती है। हम थोड़ी सियासत से अलग, हम चाहते में आपकी कोई हाथ नहीं होना। नहीं नहीं, लालू मांझी जी की क्या बेचैनी है, ये आप तय कैसे, ज्योतिष तो है नहीं आप जी, उनकी बेचैनी को आप ही देख रहे हैं। अभी तक वो चुप थे, अब आपने कवायद शुरू कर दी तो नहीं, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि पहले भी कई सारे, आप इतिहास उठा करके देखिएगा, जब भी कोई कमजोर धारा, पिछड़ा धारा, समाज के निर्माण में, जिसकी देश के निर्माण में बड़ी भूमिका रही है, कुर्बानी दी है, जब भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से वो शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए ये जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग है, सामंती सोच वाले जो राजनेता हैं, ऐसी व्यवस्था को जन्म देने वाले जो लोग हैं, जो समाज के 80-85-84% लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रास्ते को मजबूत नहीं होने देना चाहते, उसमें कई संस्थाएं इन्वॉल्व। मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे ज़्यादा मांझी जी को ठगने का काम आरजेडी ने किया था, लालू यादव ने किया था, धोखा उन्होंने दिया, सबसे ज़्यादा धोखा लालू यादव ने दिया। इस्तेमाल हमेशा दलितों का, वोट बैंक तो दलित तो हमेशा वोट बैंक के लिए हो गया, मुसलमान वोट बैंक के लिए हो गया, समाज का जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं वो हमेशा वोट बैंक बन जाते, वो मुख्यधारे में कहाँ आते, चाहे वो पैसे से हो, चाहे सेंटिमेंट को लेकर के हो, जिस भी रूप से हो वोट बैंक बनते हैं। हम उस वक्त भी मांझी जी के साथ खड़े थे, मांझी जी लंबे समय से राजनीति में हैं, परिपक्व आदमी हैं, इतिहास को जानते हैं, विचार को जानते हैं, बोलते रहे इतिहास की बातें। अब इस उम्र में मैं उन्हें आईना तो नहीं दिखा सकता हूँ ना, सही माने में एनडीए और यूपीए सभी लोगों ने मिल करके उनको ठगा। मैं तो चाहता हूँ उनके अनुभव को भी हम लोग बिहार में लाएं। हम चाहते हैं कि एक युवा जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ें। हम तो अरुण राव से बात किए, हम अखलाक अहमद जी मीटिंग में थे, रेणु कुशवाहा जी थी, दशय चौधरी जी थे,
बड़े लाइनों पर हमारे साथी कमेटी बनी है, बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सीपीआई सीपीएम माले भी एक बड़े हिस्से बने, उनकी वो नेचुरल है, कन्हैया नेतृत्व करना चाहिए कन्हैया को जी। हम तो चाहते हैं कि कन्हैया सीपीआई का नेतृत्व करे, आए, अच्छी बातें होगी और एक संदेश भी जाएगा सभी वर्गों में, सभी चीज़ों में, एक साफ सुथरी जो राजनीति मैं चाहता हूँ, इन चंडाल इन चौकड़ियों से अलग हट के बिहार में एक अच्छा नेतृत्व, उसमें कन्हैया हो या ऐसे कोई भी वर्ग, हम तो जो यूथ अच्छे काम करना चाहते हैं सभी जिलों में, उनको हम चाहेंगे कि आगे से, हम तो माले के भट्टाचार्य जी से उम्मीद करते हैं कि 90 और पुरानी बातों को हमें भूलनी पड़ेगी, कौन कितना खराब है आज उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है, किस किस में कितनी अच्छाई है उसको लेके चलने की ज़रूरत है, अब किस किस को हम खराब गिनते जाएं, खराब करते चले भैया, तो हम तो चाहते हैं जो अच्छाई है उसके साथ आगे बढ़ें, माझी जी के साथ जो अच्छाई है हम उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आएँ नेतृत्व करें, आएँ कन्हैया नेतृत्व करें, हम खाद बनने को तैयार हैं, कुर्बानी देने को तैयार हैं, उनकी बेचैनी में सब मिल करके कलेक्टिव नेतृत्व करें ना, उनकी बेचैनी में आपका हाथ है कि नहीं, सीधे सीधे मैं पूछ रहा हूँ, किनकी बेचैनी, माझी जी की बेचैनी या फिर बिहार में जो भी सियासी, मेरा हाथ, मेरा हाथ का क्या लेना देना, आप पे आरोप लग रहा है कि आपको जगह नहीं मिली तो आप घर तोड़ रहे हैं लोगों का, किनको जगह कहाँ नहीं मिली, आप महागठबंधन में जाना चाहते थे आपको जगह नहीं, हम तो 11 करोड़ अपने अपना ही घर बना, हम तो 11 करोड़ 33 लाख लोगों के दिल में मेरा जगह है, तो ये जोड़ तोड़ हम उसके दिल में, हम भैया हम जोड़ तोड़ में होते तो भर दिन 9 में काहे बैठे रहते जी, दर्द और बेचैन तो वो होंगे ना जो घर में बैठे रहते हैं शीशे के घर में और पत्थर फेंकते रहते हैं, जो उनसे पूछिए ना कि जो सड़कों पर राजनीति को आप, उन्होंने समझ लिया है कि ये इसी तरीके से बपोती हमारी राजनीति है, आप जो हालात है आज उस विपक्ष में, जिसको लंबे समय तक लालू यादव को राजनीति में लोगों ने रखा, नीतीश कुमार जी को रखा, रामविलास जी को रखा, ये लोग नूडा कुश्ती का खेल और चूहा बिल्ली का खेल खेलते रहते हैं, ये लोग सूरज और बादल का खेल में चलता रहता है, इन लोग से पूछे रहे, हमसे आप पूछ रहे हैं कि इन लोग से पूछे ना कि कब तक बादल और सूरज का ढकने का खेल, कभी तलाक अच्छा कभी कुछ अच्छा, कभी बुरा कभी खराब, कभी 370 बुरा कभी अच्छा, कभी उसके कंधे पर ये भी तुम, चित भी मेरी पट भी मेरी, तुम भी खुश हम भी खुश, ये हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा आर पार हुई है, डायनामिक डैशिंग पर्सनैलिटी लाइकिंग लाइक माइंडेड हुआ, यहाँ तो अब हर चीज़ों में अब ये बच्चा नूड़ा का जो खेल चल रहा है आजकल कोर्ट घर का जी, ये एफिडेविट ये मजाक बनना, समाज को मजाक बना के रख देना जी, मुझे तो दया आती है उस परिवार पर जिसने जिसने एक नेतृत्व दिया, जिस हमें दया आती है, अब वो क्या करने जा रहे हैं आप इसको देख लीजिए, हाँ सब कुछ ये ठेकेदार हैं क्या ये लोग, कोई कहीं जब आएगा मन आएगा कहेगा कि हम आ गए हम गामा पहलवान हैं सब कुछ नाश करके, आज लोगों को ऐसे परिवार को जूता चप्पल से स्वागत करना चाहिए जिसने सड़कों पर बेटियों की इज्जत को नीलाम करता है, वो भी राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बने रहते हैं, ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट की क्या जरूरत, तो अब एक नई धारा की आवश्यकता है, उसमें हम चाहेंगे कि सब लोग आगे आकर के अपनी अपनी महत्वाकांक्षा तो त्यागनी होगी, सबको अहंकार त्यागना होगा, क्रोध त्यागना होगा, लालच त्यागनी होगी, अब इतना तो करना होगा, इसको आप समझ लीजिए, और पप्पू यादव नए निर्माण के लिए नए बिहार के निर्माण के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार, हमने सनोफ मलाह से ही पूछा कि क्या वो आपके गठबंधन में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने कहा कि इस बिहार में NDA और UPA का ही हमेशा बोलबाला रहेगा, तीसरा कोई भी नाव डूब जाएगा, माझी जी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, देखिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो उनसे पूछिए, किसी के व्यक्तिगत जीवन व्यक्तिगत झूठ फूस का मतलब हम नहीं रखते हैं जी, बिहार की राजनीतिक ना इस देश और दुनिया को दिशा दिया जी, जैसे भारत की सुरक्षा भारत की
आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और भारत की सांस्कृतिक सुरक्षा के बगैर दुनिया का निर्माण संभव नहीं जी। भारत को आज आप असुरक्षित लोगों के हाथ में दे दो, भारत की आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को समाप्त कर दो, दुनिया खत्म होगी। आप देख